हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमजेड टेक्निकल। तो दोस्तों, वीवो ने हाल ही में अपनी टी सीरीज में दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। एक है वीवो T144W और एक है T1 Pro 5G। दोस्तों, वीवो T144W के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग वगैरह के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो T1 Pro 5G के बारे में, बताएंगे आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस क्या कुछ खास है इस फोन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। डिजाइन की बात करें तो काफी हद तक अच्छी डिजाइन दी गई है, और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है। अगर दोस्तों इस फोन की कैमरास की बात करें तो बैक साइड हमें 64 8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो 6.44 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन में Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दोस्तों, इस फोन की बैटरी की बात करें तो 4700mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए कंपनी ने हमें 66W का फ्लैश चार्जिंग दिया है। दोस्तों, इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फोन में हमें 3.5mm जैक पिन देखने को नहीं मिलेगा, और इस फोन में आप ड्यूअल सिम कार्ड ही लगा सकते हो, आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज की। तो दोस्तों, इस फोन में दो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, एक है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। अगर स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलेगा, और रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला जो डिवाइस है वो आप 24,000 रुपए में परचेस कर सकते हो, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला जो फोन है वो आप 25,000 रुपए में परचेस कर सकते हो। अगर आप ये डिवाइस ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहते हो तो ऑफलाइन मार्केट में ICICI, SBI, IDFC और वन कार्ड, ये चारों बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पे आपको 2500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप ये ऑनलाइन मार्केट यानी कि फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको SBI और HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 2500 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।